أخلق. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قرآن مجید دا 22واں پارا سورہ احزاب ہے. اللہ رب العالمین نے بالکل فطری طریقے دے مطابق اس تو بغیر چارہ نہیں دین دی تعلیم واسطے دو طریقے اپنائے. ایک تے بیان کیتا قرآن و حدیث دے اندر باتاں دسیاں. اے جے سمجھ لو نظریہ خیال ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. ایک دے نمونے سامنے کیتے इस तरह होना जो प्रैक्टिकल जिस तरह होता करके इसलिए बंदियां वास्ते अल्लाह पाक ने अपने नबी और रसूल उसवा बनाए नमूना. और सब तो आखिर जैसे सूरज फरमाया लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवा बना जे बेहतरीन मॉडल चाहते जो नमूना कि किस तरह का अल्लाह ताला का बंदा होना चाहिए और अल्लाह की पसंदीदा जिंदगी गुजारनी चाहिए. ये बेहतरीन और आला नमूना अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मगर इन्हें ना काम पूरा नहीं सी ना होंदा क्योंकि रसूल करीम अलैहि सलाम मर्दा नहीं नमूना थी मगर औरतों वास्ते भी कोई नमूना होना चाहिए जी बिल्कुल अद्धे तो ज़्यादा मखलूक है अल्लाह की कि इन वास्ते भी कोई नमूने दौरतं हो जिन्होंने अल्लाह तला पेश करके आके बे औरत बनना तो इदा भी औरत बना. वो अल्लाह पाक ने दो ते औरतां पिछड़िया का जिक्र किया सूरा तहरीम अहले ईमान लोगों ने अल्लाह ने जरा बल्ला मसर नमूने दिया बयान किया कि उंगलियां उठा के बंदा कह सकता भी यार औरतों चो अगर कुछ कामिल होइयां ते मरियम बिनते इमरान ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा और आसिया ज़ौजा फिरौन आसिया बिनते मुज़ाहिम फिरौन ए नमूने दी औरत अल्लाह ने आख्या और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरतों चो कामिल हो बिल्कुल कोई खामियां रैब नहीं मरियम है और आसिया. तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बीवियां अल्लाह पाक ने इस उम्मत दी मावां बनाया अज़वाजु उम्महातुम के रसूल करीम अलैहिस्सलाम दे घर च जिहड़ियां औरतां आम औरतां नहीं ये उम्मत दी मावां लस्तुन्ना कहदे निसा ऐ नबी दी बीवियो संभल के रहो तुसी दूसरियां औरतां वर्गियां नहीं तुहाडे वल सब दी निगाह सारा जहान जरा आलम इस्लाम ओदियां औरतां वेंदियां ते नबी दे घर च हो तो आज तुम अगर उखड़ गई अल्लाह पाक फरमाया तो हर चो किसी ने गलत हरकत की तो दुगना अजाब दूंगा बर्बाद कर देना जो मतलब कि तुहाडे चो नेकी की तो दुगना आ तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात इसे तो है आप से पाबंदी कोई नहीं सी जिन्हें मर्जी निकाह कर मगर यह पाबंदी थी मुसलमान औरतों सानू इजाजत है बस यहूदी और ईसाई औरतें कर सकते हैं भावें अपने दीन पर रहन बड़ा खतरा मोल लैन भाई घर कुफर आ वड़े सानू में हो सकता शराब दादी बना जान गिरजे ले जाना शुरू कर दें जिमें यूरोप छोड़ रहा कई अपनी औरतों की हबत बेदीन हो रहा है तो औलाद तो बिल्कुल खतरे च भी माँ की गोद पलनी उन्होंने की बनूंगा मगर अल्लाह के रसूल के घर के गिरदे दीवार खड़ी करती थी इतने गैर मुसलम औरत का कोई दखल ये नबी का घर है ये दीन दे मराकज़ है इतों इस्लाम औरतों ने सीखना और इसे तो आपने सियानी उम्र दियाँ और कई कबीलों दियाँ ताकि हर कबीले दियाँ बच्चिया औरतं बिना झिझका के अपनी बच्ची को दीन सीखी साड़ी अपनी धी है. इस अल्लाह पाक ने फरमाया वसपुरना मायुतला थी बुयुत कुन्ना तुहाडे घरां जिहड़ियां आयतां अल्लाह दियां और हिकमत पढ़ी जाती है अल्लाह दी नबी दी बीवी ओह इहदा चर्चा कर जरा. अज मैं तो पहला मेरे एक साथी पुछदे सी कई लोग आंदे जी अल्लाह का जिक्र जे कल्या कीता जाए तो इन्ना सवाब है मिल के कीता जो जलियां पाउण दा ना जिक्र रख लैन ए वसपुरना बयान करो मा युतला फी बुयूतकुम जरा तुहाड़िया घर दीन दसया जाए. इस तो जिक्र सुभान अल्लाह अलहमदुल्ला बहुत घटिया जिक्र दरस दे हल्के बीन सिखाने लई कोई आलम बह गया कुरान पढ़ा रहा हदीस दे लैक्चर दे रहा यह बहुत बड़ा जिक्र है. और अल्लाह फरिश्तियां फिर अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम फरमाया जदों फरिश्ते फिरदे जमीन से वेखदे कि कितने लोग बैठे यतदार सुना बैनम किताब अल्लाह अल्लाह की किताब पढ़ पढ़ा रहा है और आवाज़ ना देंदे आ जरा जिक्र का हल्का लभ दे लभ गया उस जिक्र का बेड़ा गर्क करता ना ये अल्लाह अल्लाह करने वाले कोई अलभ्य आँगी कुरान हदीस ना लोगों दस दे बस
जली पाई जाते धूह हक करी जाते जिक्र ठठा शुरू हो गया। तो मैं कुरान की आयत का हवाला दिता सूरा आज़ाब कि अल्लाह आंदा है नबी जी बीजो तुहाडे घरां जिहड़ियां अल्लाह दी आयत और हिकमत का जिक्र किया जाता पढ़िया इहदा जिक्र करो फैलाओ चर्चा करो जे इशाद करो। तो अल्लाह के रसूल के घर दीनी मरकज तो आम औरत वाली गल नहीं सी। इसे तो अल्लाह तआला ने इसे सूरत कह दिता भाई जिन्हों दुनिया चाहिए आवे नबी उन्हों तलाक दे दूगा जिथे मर्जी जाके अपना सिर छुपा लै तो मौजा करती फिरे रईसा के घर रहना तो रही फिरे। तो जे दीन चाहिए अज तो बाद किसी ने ना कपड़ा मंगना ना जेवर मंगना यह दरवेशा का घर है फाके करो तो दीन सीखो तो सिखाओ। सारिया ने तौबा कर ली जिन्हों मुनाफिक औरतों ने चुकया से भी नहीं मंगो हूँ तो फतूहात हो माले गनीमत आया जेवरात मंगो कपड़े मंगो तुम अड़ियान सरदारा दियां जी इतने भुख ना गया हूँ है। अल्लाह ने कुरान च उतारता बै नबी इन्हों के सामने साफ गल रख दे बै दुनिया चाहिए जाओ तलाक जहाँ से चल जाओ तो दीन चाहिए तो अज तो बाद चर्चा का ना नहीं लेना। इस गल ही क्यों इतना आता दीन सीखो तो सिखाओ दरवेश बन गई फकीर बन गई लोगों ने मंदिर देखे कि सही था उमल मम ऐसा तरीका रजना 80,000 दिरम उस जमाने का रुपया कभी अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रजी ने भेज दिता पांडे ने किधरे हजरत मुआविया रजी ने भेजता शाम होंगी तक लाउंडी वाकया ऐ थैली ओहदे कर दे ओना गरीबा दे दे रोज़ा इफ्तार करने का वक्त आया नफर रोज़ा सी आख्या पुत लिया कोई उन्हें आख्या अम्मा दो दिरम ही रख लेंगी तेरे लिए मैं लै उसकी फरमाया पुत्र कोई नहीं रोदा पानी ना भी खुल जाना ये मेरी औलाद ये सब मिस्कीन रसूलों के बच्चे है इन्हों अगर पहुँच गया था यानी अल्लाह के रसूल के घर में लोग दुनियावी पैमाने ना माप दे काफिर भी कई कलमों को भी हराम नबी ने इन बीवियां क्यों रखी नबी ने बीवियां चाहिए होंगे कुंवरियां लभदा सारा जहान मिन्नता कर रहा सारिया धियां लैदा नबी के घर सिर्फ दीन के अड्डे मरकज ही भी है बच्चिया दीन सीखन जहां दीदा है बेवा है दीन सीख के लोगों को सिखा। तो अल्लाह ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बीवियों ने तदे किया मुहम्मद दियां मावां दीन सीखो उन्होंने अल्लाह पाक ने फरमाया तुसी नमूने दियां औरतां दे वकरना फी बियूतकुन्ना अपने घरां च आराम ना कीतियां रहो वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियत रूला ध्यान मारो नबी दा कराना हजूर दियां बीवियां जन्नत सरदार औरतां दियां ते उम्मत दियां मावां उन्हां नूं रब कह रहा अब घरां च रहो ते अपना आप बना सवार के बाजारां नाल खौंदियां फिरो तो लोगों ने हम बना लिया औरतों ने मॉडल गर्ल्स है जड़िया ना सा दुकाना से खड़िया तो टीवी से ये नमूने दी और साड़िया धियां इदा बन जा इस उम्र ने बेड़ा तो अपना आप गर्क कर लिया। अल्लाह ने कहा तुहाडे लिए जड़िया नमूने दी औरतां दित्तिया सी ते बच्चिया और मावां ते भैणां नूं इदा दियां बनाइयो ए फिल्म स्टार और सूरला दियां बीवियां सी। और उन्होंने भी मैं अज दे खुतबे जिहड़ा जिक्र करूँगा वो अज जिहड़ी अल्लाह दे रसूल अल्लाह सलाम ने साफ फरमाया कि लोगो अल्लाह का फरिश्ता मेरे को आया और उन्हें अल्लाह के फरिश्ते ने मैंने इतलाह दी। तो फरमाउंदे इब्ने हजर रहमतुल्लाह बुखारी शरीफ 7वीं जिल्द फतुल बारी जी किताब फजाइल सहाबा 29वां बाब मना के वफात माता अलैहि सलाम अलैहि सलाम तो कई चकते हैं इन्हों कहा कि ना सड़ जाओ और ये साहब ने कहना अलैहि बैत नूं अलैहि सलाम बुखारी शरीफ नूं खुरच के परां सिटो क्यों अली अलैहि सलाम लिखा है हुसैन अलैहि सलाम तो तुम ये मसला बनाया कि रसूलल्लाह दी आवाज़ नूं सलाम ना कहो आप मरियम का जिक्र आते मरियम अलैहि सलाम और पिछली उम्मतों चो उन्होंने अलैहि सलाम लिखते जो नाम मुरादो तो फातिमा नूं अलैहि सलाम कह दिए तुहानूं तकलीफ होंदी है ये कोई चीज सुनित नहीं है सिर्फ शरारत है। चाह इमाम बुखारी लिखते मना के बतो फातिमा दा अलैहि सलाम इस बाब च फातिमा की शान बयान करूंगा जिते अल्लाह का सलाम है वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो सही दिसाया फरमाया फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है जिन्या उत्थे जानियां उन्हां दी सरदार फातिमा रजी अल्लाह ताला। तो फिर दसिया कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के फरिश्ते इतलाह दी मैनू अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलक वैन दल हाकिम मिन हदीस हुज़ैफा बि सनद 105 अल्लाह का फरिश्ता आया वकाला इन्ना फातिमा तो सही दा दिसाया जन्ना कि जन्न जड़ियाँ औरतों जानियां तेरी है बेटी जन्नत की औरतों की सरदार मावां तो भी लंघ। इस तो अगले सफे से जाके फिर 109 से इब्ने हजर रहमतुल्लाह फरमाउंदे कार सुबकी और कबीर अल्लाह दी नबीनुल्लाह बयाना फातिमा तो अफजल सुम्मा खदीजा सुम्मा आयशा वल खिलाफ शेर वला किन हक हक को इन हर गल रौले च पाई है नहीं 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 और फातिमा ना रौंदे सुबकी और कबीर फरमाउंदे जड़ी शह असी रब की अदालत लैके पेश होनी है तो रब ने उदों भी पूछा तो असी गवाही देनी वही है कि फातिमा सब तो अफजल फातिमा का मुकाबला ना यदि माँ करती है ना ऐशा करती है सब थले है
फातिमा अफजल है, सुम्मा खदीजा, फिर खदीजा का दर्जा, सुम्मा आयशा, फिर आयशा वल खिरार शेर, फिर आंदे इस बारे औलाद बहुत है, वला किनल हक हक कोई मतलब मगर हक ही इस लायक कि उसकी पैरवी की चीज है। इधर उधर ये गलों का की फायदा, जो दीन तो साबित हो करो आकर से फरमाते वकील हैं कदा जमार अफजलिए से फातिमा बबा के अल खिराब बैन आयशा व खदीजा 109 सलाम कि इस गल से इतफाक हो चुका कि फातिमा अफजल है, हूँ रौला सिर हजरत खदीजा आयशा का कि मगर फातिमा फातिमा जन्नत की औरत की सरदार है। इस अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम फरमाया इनू नमूना बना अलामा इकबाल एक जगह फरमाते सीर से फरजंद जुम्मा ऐ दीन जरा मामा चंगिया लियाओ अल्लाह के रसूल आख्या निकाह के मौका से ना माल वेख ना हुसन वेख ना कबीला वेख फल फिर दाते दीन तारे बजी लग रब तेरा भला करे दीन वाली लब दीनदार बच्ची आ गई अलुम मदरसा सुने दत्ता आ दत्ता शाह बन तइये बला रात एक भी कुड़ी तू दीनदार लभ के घर लै आना मां ते तू एक पाक नसल की छंदना बुनियाद रख एक ऐसा बूटा लाता कि जिन्हें फल लगना है पाक गांव की गौच नेक दम ने बदमाश लाया तो यही है गुंडे से हरामदा से जम गए नचन टपना कुड़ियां जमनियाँ होर की होना पे तेरे सामने दीन दीन मिट्टी पलीज होनी है तो नमूना लोगों ने बना लिया बदकार औरतों सारा जान जरा ना रखना कोई हिनात कोई कोई मैं देना कंबख्तों के नाम नहीं आते और जो लोग पुछते आते कि ना यार तुम्हें रख लिया सहर जहनात इस बात ना मुरादो रसूला दिया बीबिया भैड़िया लगिया तो अल्लाह के रसूल की बच्चिया भैड़िया लगी जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा वह ना नहीं चंगा लगा अरे इमाम इब्ने हजरी रहमतुल्लाह नौवीं जल्द ले कि दो औरतों ने बतूल खवाया दो इस्लामी लिटरेचर पढ़ा कोई औरत बतूल नहीं या मरियम बतूल है या फातिमा बतूल है इन्हों तो अलावा किसी को बतूल नहीं किया गया बतूल इन्होंने दोनों का बतूल किड़ा जरा कट के अलग हो जाए छड़ दे हर शहर एक पासे हो जाए बत बत ले रहे है तब्दीला हर शह तो जुदा हो गया रब दे राज जुड़ गया तो हाँ लिख दे इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह मरियम क्यों बतूल है 118 सफा और जिल्द नौवीं मरियम उल बतूल इन किताया तजीज अरे लिबादा मरियम नु बतूल इस पारों क्या गया तो उन्हें दुनिया च निकाह नहीं किया इस रिश्तेदारी के झंझे च नहीं पई मस्जिद अक्सा से बादली बह गई मां ने मन्नत मंगी इबादत बस अल्लाह की बंदगी सारी उम्र गुजारती अल्लाह ने बेटा वर ईसा अलैहि सलाम दसा दिता और कुरान मजीद चाहता कि फरिश्तिया ने उसे आख्या जिमें इतने फरिश्ता आया तो आख्या रसूल तेरी बच्ची उम्र की औरतों की सरदार है उत्थे भी अल्लाह पाक ने आख्या इन अल्लाह हस्तफा के वतहर के वस्तफा के अला निसाल आला मरियम रब ने तेनू चुन लिया तो हर शायद ऐब तो पाक कर दिता तो तेनू जहान की औरतों की सरदार बना दिता ना मरियम जैसा ही कुछ जमया तदे हजूर पाक अलैहि सलाम ने इसे हदीस दूजे जगह फरमाया कि पहलियाँ उम्मतों की जन्नत की औरतों की सरदार मरियम है तो मेरी उम्मत की औरतों की सरदार फातिमा तो फरमाया फातिमा क्यों बतूल है लिन किताया अन नजर आया फिर उसने बशर क्योंकि जिन्हिया वो साथी है औरतं हैं उसी तरह दिन औरतं इन सारिया तो कट के अलग हो गई है जो उन्होंने मिलया किसी ने हुसन और शर्म ना उन्नी खूबसूरती रब दी तो ना उन्हें शान की बुलंदी दिखी इस तो बाकी सारी औरतों तो बिल्कुल अलग है अनोखी कोई ये बराबर नहीं होना सारिया तो वक्री ए समझो 118 सफे रुपए फातिमा भाई दर्जा क्यों ना पाँगी जन्नत की औरतों की सरदार क्यों ना आँगी अलामा इकबाल फरमाते फिर से फरजंद तुम बात तुम्हारा इस्लाम नहीं आता मुआशरा नहीं ठीक होंगे इस्लाम कहद ना आवे जो बच्ची लभन चलना लभना तो हरामदादी है किस तरह दीन आवे सीर से फरजंद दुमहाद बच्चों का करैक्टर वही बनना जो जी मां का मां निरा दुध नहीं पाँगी मां की गोद पालन वाला बच्चा सारिया आदत जजब कर देता और सारा किरदार वे लू लू च रज जाता जो जी मां का होंगे सीर से फरजंद दुमहाद जौहरे सिदको सफा दुमहाद जे कोई अच्छाई आनी है नेकी आनी तो मां तो आनी नहीं तो कम कोई नहीं बनना इस तो अल्लाह तारा के दीन ने जो मां का एडा दर्जा बयान किया कि हदीस पाक के अंदर आता बैतुल्ला शरीफ का तवाफ हो रहा है एक सहाबी रसूल ने रजी अल्लाह तारा एक बुढ़ी ने उठाया कंधे और हजूर अल्लाह सलाम ने आख्या अल्लाह के रसूल दो फरसख 7 मील बनते हैं जेडे मैं जंगल चो दी इन मां चुक लिया कि अगर कच्चे गोश्त की बोटी उस रेत से छिड़ दी जाए पुज जाए ऐडी तपी रेतों की चुके आया तो तवाफ करा रहा तो ही मैं यदा हक अदा किया हजूर ने फरमाया कसम खुदा दी तेनू जन्म के वक्त ने जे एक चीख मारी तो हक नहीं अदा कर
क्यों एडा दर्जा बनाता है? जन्नत दे कदमा दे, और जन्नत वाली मां होवे जिहड़ी यार दोज़ख नूं टुरी जांदी है, उहने जन्नत कित्थों वड़ना? उस कम वक्त को जन्नत कड्डी मिलनी है ना? सीर पे फरनंदाज उम्मात जहरे सिद्को सफाज उम्मात, उत्थे फिर एक बार बनाउंदे जे समझना ही ते मादरां रा उसवा है कामिल बतूल। जे मावां लई नमूना चाहुंदा ना, ते नमूना सिर्फ रसूल दी बची है, फातिमा करत बैठी जिन्हों अल्लाह दे रसूल ने नमूने दा तौर बयान किया, ते औरतां दी सरदार इस ओहदे वड़दे मादरां रा उसवा है कामिल बतूल, मदराए तस्लीम रा हासिल बतूल। कैसी मिसाल इकबाल ने दी, आंदा इस्लाम नूं समझ जिवें खेती है, इस खेती का जिहड़ा फल ना निचोड़ निकलिया वह फातिमा, फातिमा ने छोटी जी शह ना समझ, इस्लाम का खुलासा जिस औरत मुजस्म हो गया सिर तो पैरों तक, उन्होंने फातिमा कहा जाता। इस तो अल्लाह के रसूल सलाम ने किसी मर्द का अदब नहीं किया जिहड़ा हज़रत फातिमा का, हालांकि बेटी है आप की उम्मत है, मगर अबू दाऊद शरीफ पढ़ो, रसूल करीम अलैहि सलाम ने मिलना आँगी तो हजूर अपनी मंजी तो उठ के खड़े, और इतने बोसा दें लेते अपनी जगह से बिठा दें, कि हज़रत फातिमा को जाते तो उठ खड़ोदियाँ हजूर का मत्था चुम दी अपनी जगह से बिठा, इन्ना अदब किसी का हजूर ने किया? समझा बची नहीं, मैं मर्दा का सरदार हाँ, ये औरतों की सरदार। कई जालमान ने हम चारा किया किताबा लिख दी, फातिमा की ऐसी ठिंगनी जी जो ये इस्लाम लिख दे दे बड़े बड़े मुहक्क और तुहाडे मैंबरां ते मेहराबा ते सुणाओ मेरे वैर पै भी क्यों रसूल दे औलाद दी शान बयान करो, बयान ना करा तुसीं दीन तबाह करन दे लगे, बंबारी इस तरह किताबा लिख रहे जे ना मुरादो, ना तो हदीस वाल ध्यान आता, ना कोई रसूल की शर्म आँदी है, तुम सारी जबाना बंद कर दे, अल्लाह के रसूल की औलाद की शान ना बयान करो, अल्लाह के रसूल की बच्ची की शान है, मसला भी हल हो, क्योंकि एक मसले ने फतूर पाता, ए जमाने बड़ा पाया जड़िया बच्चियां दरस गई उन्होंने पढ़ाता, ऐ हदीसा पढ़ाता, देवबंदियां पढ़ाता, बरेलियां पढ़ाता, वह ना तू घर का काम करना, ना आटा गुन्ना, ना रोटी चुकानी, कोई काम तेरे जिम्मे नहीं, जिथों मर्जी नौकरियां नानियां रखता फिर जिथों मर्जी जा के पकवा के लियावे, तेरा काम सिर्फ बन संवर के बस उस काम लिए तैयार। ए मसला सिखाता, कई घर उजड़ गया और लोगों ने टेलीफोन करके गया कि इन्हें कपड़े पहुंचने से इनकार किया, मैं दरस पढ़ के आई मसले, एक कमाल हो गई यारो, वे जी जन्नत की औरतों की सरदार है उसके हाथों छाले पै गए चक्की चौंदा मशकर चौंदा, इतने दाग पै गए कूड़ा हो गया, वह रुखसार सह हो गया, शिकायत की अल्लाह के रसूल तो आपने इन्ना फरमाया, शिकायत क्या भी करनी है आख अपना बंदोबस्त करे, ये दीन वो कितने गया, क्यों दीन बर्बाद कर दे जे, ये सिखा दिया किताबा बनाने का तुम घरों जानना चाहते जब कुड़ियाँ कम ना कर, तुम उस ज्यादा उची छाण वाली जी अल्लाह के रसूल की बच्ची ने सब कुछ किया। सही बुखारी किताब उद्दावात देखो रात अबू दाऊद शरीफ सब किताब है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला दे घर हजरत फातिमा गई, पहला अली रजी ने आख्या कि अली हुण रसूला को गुलाम आ गया, लौंडियां आ गई बहुत सारिया, कम करके आख्या थक गए, की हाल मेरा हो गया, इतने छाले पै, कोई नौकरानी हजूर दे, उन्होंने आख्या मेरी नहीं मजाल नाम है हजूर पाक ने कह सकता, तू जाके अब्बा जी ने आपे गल कर। गई हजरत आयशा रजी के घर गई, देखिया हजूर उत्थे नहीं, फिर वेख्या भी बहुत सारे लोग हजूर दे के जमा गल ना कर सकिया, घर न बुलाई, रसूल करीम अलैहि सलाम आया, अम्मा ऐसा ने आखा यार रसूला फातिमा आई सी गल नहीं की, हजूर गए रात पै गई सी, एक ही समझ मेंढे की खल सी, ना कोई बिस्तरा ना कोई मंजिया, थले बछा के अली भी लेते सी हजरत फातिमा, हजूर दरम्यान जाके बह गए, ये उठन लगे, आपने आख्या नहीं, पूछा पुत्र तेरी माँ ने दसिया भी तू गई सी कोई गल ही की, फरमाया अल्लाह के रसूल वेख ला हस्तों छाले पै गया, मशकों के निशान पै गए, मूँह काला हो गया, झाड़ू दे दिया लाउंडी दे दी, है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने आख्या फातिमा इधर चंगी गल ना तुम दस, क्या अल्लाह के रसूल दसो, फरमाया चंगी गल है भी ये लाउंडियां गुलामा नु छड़, और मस्जिद जेड़े दरवेश बैठे साहबे सफा जे मैं उन्होंने कुछ नहीं कर सकिया, तुहानू अयाशियां मैं कादियां करावां, इन्हां सारियां शैआं नु भुल जा, इसकी बजाय चुप करके रात में जो बिस्तर से पाओ 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर कर, पुकार के आख्या कि अल्लाह के रसूल असी राजी हैं, राजी है, राजी है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब वाकया सुनाया तो पूछने वाले ने आख्या अली तू इन्हू कभी नहीं छड़िया, उन्हें आख्या नहीं, ज्यों हजूर ने कहा एक रात भी ऐसी नहीं आई जो मैं इसनों नागा किया, उन्हें आख्या वरा लैला सिथी जो मुआविया ने लड़ रहा है तो सारी रात तलवारा चलिया उस दिन भी नहीं छड़िया, फरमाया नहीं उस रात भी मैं इस जिक्र कभी नहीं छड़िया, और इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हो ही ना जी काफी कि थका टुटा भी पढ़ लूगा इंशाअल्लाह उसकी ताकत बहाल हो जाए। तो मौला शिबली नुमानी रहमतुल्लाह नज़म लिखी ब्याह तेनू नबी दे
खानदान का हाल सुनावा कि रसूला जी बच्ची का दसा यह हरामिया नूं की करां कुत्ते भौंकदे आ कभी कार्टून बनाउंदे कभी कोई अगर अल्लाह के रसूल सच्चे नहीं तो होर नबी लिया जिहड़ा सच्चा कई बार तुसीं सुन चुके मैं चैलेंज करना कि दुनिया जहान का कोई बुद्ध यहूदी ईसाई नबी पाक नूं छड्ड के अगर अपने बुजुर्ग नबी साबित कर रहे मेरा मूँह मत था उन्होंने जो करैक्टर किरदार लिखे भी सौ सौ औरतों एक एक बार जनाह कर नबी है ये एहसान मिला मुहम्मद रसूला सरसम का उन्होंने ही पाक किया अपने आप में बेदाग जिंदगी गुजारी तुम उल्टे एहसान फड़ा मोर से तोड़िया किताबों जो नक्शे दसे नबिया दे तो शरीफ आदमी ही रहने तुम उल्टा रसूला भी इज्जत हथ पाते तो शिबली फिर नजम पूरी लिख के हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहानी फिर लिखता है ये मादराए दुख्तरे खैरुल अनाम था कि अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम यूं की है अहले बैत नबुव्वत ने जिंदगी है ठीक कर दो ना करी सब बदलो जे शुक्र है जो उधर नहीं आ जाए कोई पसंद हाँ तो शिबली अल्लाह रहमत फरमाए वाकया लिख के लिखता यूं की है अहले बैत नबुव्वत ने जिंदगी आंदा समझ आई कि रसूल अल्लाह के घराने ने किस तरह दिन गुजारे है ना लाउणियां ना नौकर ना कोई नहीं यूं की है अहले बैत नबुव्वत ने जिंदगी ये माजरा है दुख्तर है खैरुल अनाम था सारे जानते सरदार जी की धी का हाल से ये इमाम इब्न कईम रहमतुल्लाह लिखा यह हवाला पढ़ना जरूरी ताकि फितना जरा ना कि लड़कियां ने काम नहीं करना यद इलाज हो वरना घर उजड़ जाने लोग इन्ने कितों नौकरानियां रखें तलाक दे देंगे मुंडे फिर हो रही तलाक यह शुक्र है इब्न कईम रहमतुल्लाह ज़ादुल माद और ये समझो चौथी जिल्द 32 और 33 सफे से लिख फसल सी हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खिदमत मरा तेरे रौ जहा कि अल्लाह के रसूल इस बारे की हुक्म दिता कि औरत खिदमत कर खानदान की कोई नहीं कहता कई मौलवी हजरात जोड़े इन्होंने फतवे देते तो सिर्फ जमा कर लिया होर काम के जिम्मे कोई नहीं तौबा तौबा वह तजा मनोजा बल खिदमत बिन हाज़ा वल मारूफ इंदा मा खातब अल्लाह सुभान व बिकलाम आंदे जदों दीन उतरिया देखो कोई औरत तो पलंग से बैठी सी तो बंदे आप काम करते फिरते या नौकरानियां रखते को खुदाला खौफ नहीं तुम करते वाम तरसील मरा ते बखिदमत जौज व कनसू व तहनू वजनू व तरसीलो व फरशू व क्याम बखिदमत बैत मिनल मुनकर आंदे दसो जनानी आराम ना ऐसना बन समर के बैठी जाए तो खावन जरा घर झाड़ू देवे ते दाने पीवे ते आटा गुने ते समझो फर्श बिछा फिरे तो सगों घर का नौकर वह बनया हो समय मुनकर कि बेहूदा रोटी गल तुम बना ली है ये चीन है जरा नहीं फिर वल्ला तारा यकूल वला हुन्ना मिसलुल्लज़ी यरैना बिल मारूफ वकाल अल रिजाल कवामून अल निसा आंदा अल्लाह दी कुरान से आंदा ते मर्द सगों घर का निगरान है तो औरत जो मतहत है और उन्होंने जिम्मे लाजम है कि वह खिदमत कर वैजा लम तख मरा बल खून वल खादम ला फाई अल कवामा कर ते जदों इन्हें खिदमत ना की उल्टा वह काम कर लग पाए थे तो निगर सगों सुपरवाइजर से बन गई है घर की मालिका से बन गई उल्टा थले आ गया वायदन फाइनल मारफी मुकाबला तिल बुझे व कुल मिन ज़ौजैन यक्ज़ी वतर व मिन साहिबी फाइन नवाजब अल्लाह सुबह नफकता व कुसवता व मस्कना फी मुकाबला चमताए व खिदमत व माजरत भी आदरत वाह जड़े उन्हें मेहर दिते से कमा के लिया निरा इन्ना ही है कि रात में थोड़ा जायश कर रहा तो बाकी सारा वो खाता फिर कोई हया करो ये शुरू तो खाने पीने का तरीका तुरे आऊंगा वैदन फाइनल उकूदल मुतल का इनमा तुन नजल अलल उर्फ वल उर्फ व खिदमत अल बैत व क्याम व मसाल अल बैत दाखला हमें जो दीन चलिया हमेशा तो यही गल चली आती है कि औरत कम कर घर के सारे सामान अंदर दिन संभालन व कौलो मिन्ना खिदमत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा समा कान तबर व एहसान आंदे जरा इन्हें बहाना बना लिया बजड़ा तुम आंदे हजरत फातिमा कम कर दी थी या हजरत समा बिनत अबू बकर हजरत जुबैर की जमीन तो जाके गुठड़िया चुक के लिया घोड़े लिए घा लिया और निरा उन्होंने एहसान से मेहरबानी से हुक्म कोई नहीं थी यदुद्वाना फातिमा रज़ील्ला ना कान तस्त की मातल का मिनल खिदमा और उन्होंने हदीस से ही गौर कर लेंगे शर्म कर दे कि फातिमा राजी कितने तो शिकायत कर रही थी कि मेरे हथान बुटे पै गया तो मेरे हो गया अगर इजाजत होंगी फलामी कुल्ली रजी ला खिदमत तो रसूल इच्छा दिता बे इनू छाले पाने की कड़ी लौड़ आई एद कोई कम नहीं बंदोबस्त कर बनाई वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहा भी फिर उसमें आखदा और हजूर किसी का लिहाज नहीं करते इस तो अगर फातिमाली से पा आप मसला बाजे कर दे क्यों इन आख्या बया जिक्र कर दी फिर वलम रास मार जिन्ना वाल अल्फा रास है जुबैर मा उलम कुल उला खिदमत आया वन हादा जुल्म तो जो देखिया
ਤੇ ਅਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਰ ਤੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਫਿਰ, ਔਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ। ਬਾਲਾ ਕਰ ਰਹਾ ਅਲਸਲਾਮ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾ ਕਰ ਰਹਾ ਸਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲਸਲਾਮ ਅਜਵਾ ਦੇਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਮਾਹਿਲ ਮੇਰੀ ਬੈਨਾ ਮੈਨ ਹੁਣ ਬਿਆਨਾ ਮੈਨ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਾ ਰਿਹਾ ਵਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ, ਮਗਰ ਆਪਨੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਦ ਅਮਰੁੱਲਾਹ ਰਾਏ ਵਫੀਏ, ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋ ਸੀਰਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਵਰਾ ਇਸ ਤਫਰੀਕ ਬੈਨਾ ਸ਼ਰੀਫਾ ਵਧਨੀਆ ਵਫਕੀਰਾ ਵਧਨੀਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪੇ ਮਨਕਰਤ ਬਣਾਏ। ਦੀਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਵਾਲਾ ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਦੀਨ, ਫਹਾਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਨਿਸਾ ਅਲਆਲਮੀਨ, ਇਹ ਜਹਾਨ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਫਾਤਮਾ, ਕਾਨ ਤਖਤ ਮਜ਼ੌਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵਜਾਤ ਹੋ ਸੱਲ ਸਲਮ ਤਸਕੂ ਲ ਖਿਦਮਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕੋ ਆਈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਲਮ ਯੁਸ਼ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਜਾਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਬਦਲੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਮਨ ਨਬੀ ਸਰਸਨ ਬਿਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜ਼ੇ ਅਲ ਮਰਾ ਤਾ ਆਨੀਆ ਫਕਾਰ ਤਕੁੱਲਾ ਫਿਨ ਨਿਸਾ ਫੈਨਾ ਉਨਾ ਵਾਨਿੰਦਾ ਕੁਮਲਾ ਨੇ ਨਸੀਰ ਵ ਮਰਤਬਤ ਲਸੀਰ ਖਿਦਮਾ ਮਰਵਾ ਤਾ ਤਾ ਵਲਾ ਰਹਿ ਬੰਨ ਨਿਕਾ ਨਾ ਮਨ ਰਿਕ ਮਾ ਕਾਲ ਬਸ ਸਲਫ ਨਿਕਾ ਰਿਕ ਪਹਿਲੀ ਜਨ ਜ਼ਰਾ ਹੋ ਦੁਕਮ ਯਰ ਕਰ ਵਲਾ ਅਖਬਾਰ ਅਲ ਮੁਨਸ ਵਰ ਅਰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਬਦਾ ਬੈਨ ਵਾਲਾ ਕੁਆ ਮੇਰਾ ਦਰੀ। ਆਖਰੀ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਿਆ ਆਂਦਾ, ਮੁਨਸਿਫ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੜੂਗਾ ਆਪੇ ਚਾਨਣਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬ ਯਾਦ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦੀਨ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਮ ਆਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਰਜੇ 'ਚ ਅਲੀ ਯਾਰ ਫਾਤਮਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਜਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਦੀਨ ਚੁੱਪ ਸਕਦਾ? ਕਈ ਚੰਦ ਤੇ ਥੁੱਕ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆ, ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਦੋ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਬੇਦੀਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ? ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਕੋ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਵਕਾਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਕੈਸੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀ? ਰੱਟ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ। ਯਾ ਅਯੂ ਯਾ ਕਯੂਮ ਬਿਰਹਮਤ ਕਾ ਸਗੀਸ ਅਸਲਿਹ ਲੀ ਸ਼ਾਨੀ ਕੁੱਲਹੁ ਵਲਾ ਤਕਲਿ ਇਲਾ ਨਫਸੀ ਤਰਫਾ ਜ਼ਾਇਨ ਵਲਾ ਇਲਾ ਅਹਦ ਮਿਨ ਖਲਕ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਯੋ ਕਯੂਮ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਫਰਿਆਦ ਆ, ਅਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨੀ ਕੁੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਲਾ ਤਕਲਿ ਇਲਾ ਨਫਸੀ ਇਲਾ ਤਰਫਾ ਜ਼ਾਇਨ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡੀ, ਵਜਾ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਆਪ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬਾਰ ਸਰਨ ਗਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਵਲਾ ਤਕਲਿ ਇਲਾ ਨਫਸੀ ਤਰਫਾ ਜ਼ਾਇਨ ਵਲਾ ਇਲਾਹ ਦੇ ਮੈਨ ਖਲਕ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾ ਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਸਵਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਲ ਚ। ਹੈਂ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਤਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੁਆ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਯਾ ਹਯੂ ਯਾ ਕਯੂਮ ਬਿਰਹਮਤ ਕਾ ਸਗੀਸ ਅਸਲਿਹ ਲੀ ਸ਼ਾਨੀ ਕੁੱਲਹੁ ਵਲਾ ਤਕਲਿ ਇਲਾ ਨਫਸੀ ਤਰਫਾ ਜ਼ਾਇਨ ਵਲਾ ਇਲਾਹ ਮਿਨ ਖਲਕ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਹੋਈ ਮਨਾ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦੁਆ ਫਕਾ ਲਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਮਗਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮਉਦੀਨ ਇਬਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਹਿਨ ਜਾਂ ਰਫਾਈ ਸੀ, ਚਾਹ ਬੜਾ ਨੇਕ ਕਰਨੀ ਫਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਬੀਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦੁਆ 'ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਮਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਬ ਠੀਕ ਕਰ। ਯਾ ਰੱਬੇ ਮਾ ਜ਼ਾਰ ਲੁਥਮ ਮਿਨ ਕਾ ਯਸ਼ਮਲ ਨਜ਼ਮ ਨਸਰ ਹਰ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਦੁਆ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਯਾ ਰੱਬੇ ਮਾ ਜ਼ਾਰ ਲੁਥਮ ਮਿਨ ਕਾ ਯਸ਼ਮਲ, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲੁਤਫ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਯਾ ਰੱਬੇ ਮਾ ਜ਼ਾਰ ਲੁਤਫ ਮਿਨ ਕਾ ਯਸ਼ਮਲੁਨੀ ਵਕਦ ਤਜੱਦਦਾ ਬੀ ਮਾ ਅੰਤਾ ਤਾਲਮ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਖੂਬ ਜਾਣਨਾ,
फारज हो गया कि जी बची बैठी है कोई माली परे, फरमाया तू जानना कि जो दुख मैनु पेश आ गया। फसर रेफोनी कमा वत करमन, जिन्हें सारी उम्र तू मैनू आदत पा छी है अपने कर्म ना मेरे कम तू कीते ही कीते, मेरा कोई कम अड़िया नहीं, इदा ही अपने फजलो करम ना इस दुख नर परेशानी मेरे तो दूर कर दे। फसर रेफोनी कमा वत्ता नहीं करमन वमन सिवा का लिहाजा लभद यरहम, ते तेरे इस गुलाम और बंदे की होर केड़ा जराज ते रहम करूंगा, जे तू रहम नहीं कर कैसी अल्लाह दे अर्श नूं हराउण वाली है। मैं हमेशा तू मेहरबानी करता रहा, यह दुख भी तेरे इलम से ते तेरे लिए हटाना भी कोई मुश्किल नहीं है, ते तू आदि भी हाँ जिमें ज़करिया अलैहि सलाम ने बुढ़ापे की दुआ मंगी तो लामा कुंभ दुआ एक रब्बे शकिया, कुरान तो कह अल्लाह मैं तेरे को कभी भी मंग के खाली नहीं मुड़िया, मेरी चोली तू भरी है, इस तो मैं आदि हो गया, मैं ओना बेसवादा करी जिमें है ना तेरी आदत उदा ही कमा बतनी करमन वमन सिरा का लिहाज अलब रमू, जेरे सिवा होर कौन है जरा इस बंदे ते रहम करे, इंशाअल्लाह रहम करे अल्लाह की तौहीद। हज़रत इमाम दावर सादिक रसना फरमाउंदे एक दिन अल्लाह दे रसूल आए बच्ची नूं मिलन गए, फातिमा नूं वेख्या उस बच्चा गोद एक पासे उन्हूं दुध पिला रही है दूजे पासे चक्की धो रही ते पसीने वगदे आसिया गर्दान लब कुरान सरा, अल्लामा इकबाल होवे वेख उस फातिमा नूं हाँ अदब परवरदा है सबर और रिदा, रसूल की गोद पड़ी सी दुनिया के दुखां ते इन्हां मुसीबतां का कोई लिहाज नहीं किया, आसिया गर्दान लब कुरान सरा हाथ जिहड़े चक्की चलाउंदे सी जबान ना कुरान पढ़दी सी, हुण ए सारे मुसीबत उधर बच्चे नूं दुध पिया रही है उधर चक्की चल रही है, फदा मैं पैन आ रसूल्ला, अल्लाह के रसूल की अखां तो टप टप आंसू गए, आखिर की सी रसूल पाक दे आंसू जारी हो गए, मगर नाल फरमाया बेटा फातिमा ताजली मरा मरा रत दुनिया बहलावत आखरा, पुत्र दुनिया के दुख जड़े ना कड़वा ए पीजा तेरे लिए अगे अल्लाह के कोल बड़ी आखरत शीरीनी और मिठास है, एक कड़वाहट पीजा आखरत के बदले, और नाल हुण तेरे रब बाप ना रब ने एक वादा कर लिया जिदों बाद तुहानू कोई दुख जड़ा वो सामने नहीं आना चाहिए, निरते रब ने उतारता वाला सोफा वाला सोफा यो थी कि रबो का फतरदा, तेरा रब अन करीब तेन वो कुछ देगा क्या खुश हो जाएगा तो कोई कसर नहीं रहूगी, पर मैं जो मैनू रब ने आखता मैं कि खुश होना तो मैं तो किसी दुध च वड़न दूंगा है, और मैं नहीं वड़न देना बेपरवाह हो जाओ सिर बैठे है कि दुनिया के दुख चल जाओ कड़वाहट पी जाओ कर तलख मूड जन्नत के बदले है पी गई, लोगों ने देखा कि किसी किस्म की परेशानी और गम नहीं आया, मगर दुनिया की औरतें जड़ियाँ उन्होंने लक्षण तुहाड़े सामने तो पिछले खुतबे चूंकि एक दो गल्लां रह गईं वो बयान नहीं हो सकियां दरम्यान तो उन्होंने पूरा करना, एक तो गल सी जी मैं शुरू कई मर का जिक्र ना हो सके कि लोगों ने शोशा छड़िया पिछलियां भी छड़िया कि हज़रत उमर रज़ी ने एक ना औरत नूं अशफा नूं मुकर करता सी बाजार की निगरानी जी इस तरह के नौकरियां कर सकदियां इन्हों महकमा लाना चाहिए पुराने यदा रद्द करना है, अल जाम अहकाम कुरान कुरतबी सतवीं जिल्द और ये समझो 183 सवा इमाम कुरतबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि जिहड़ा ना मुराद टोला आंदा बे मुलाजमतां करन ते जज बन ते वकील बन ते उठे दुकानां ते खड़ियां करना ते बदमाशी चाहुंदे मर्द जिहड़े उहना उह मुक गए संदां लई फिरदे धक्के खांदे फिरदे मुंडे उहनां नूं नौकरियां नहीं देंदे सिर्फ तुहानूं इह बहाना लभ गया बे इहनां नूं उत्थे लै चलो ऐश करां छेड़छाड़ हुंदी रहूगी कोई हैरानी होर गल नहीं ना तुहानूं इह गल कोई भी बंदे नहीं लभदे नीयत पैरी तो हवाले इहो जे देंदे तो लिखदे इमाम बकद रो जानवर अन्नऊ कदमा इमरात नला हिस्बत सू के लोगों ने बाद ने रवायत लिखी मजहूल कि एक औरत नूं हज़रत उमर जी ने बाजार के एहतसाब से निगरानी चम करके वलाम यसे फला तलतफिल आंदे बिल्कुल रवायत सही नहीं ये वाल मूँह भी नहीं उठा के वेखना ध्यान भी ना करो वैन वक अच्छा फैन नमन दसाइल मुफ्त दसल अहादी ये बिलती लोग जो बेदीन उन्होंने हदीसा जो जी चीज़ा सहड़िया इन्हों तो धोखा नहीं खा ए शुक्र है कि सदियां पहला साढ़े इमाम और आलम मोहतात रहे कि दीन च वाड़ी जाते हैं भी कल जाके इन्हों का नजायज फायदा उठावे जैसा कि उठा रहा है 183 सवा और जिल जी तेरे ये इमाम कुरबी फरमाते कि हज़रत उमर से तोहमत है ऐसी कोई गल पर अशार जोड़े से उन्होंने कुछ रह गए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह शेर जोड़े आने चाहिए चलो अज भी उही मौजूद है कि औरत घर रहनी चाहिए पर्दा होना चाहिए इन्होंने अपने आप में दिखाई नहीं फिरना चाहिए इतने उस पूरे खुतबे का नचोड़ अमीर उल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते
बिल्कुल मेरे से भी लगता, तुहाड़े भी लगता, पीरां से भी लगता, गलियां से भी लगता। तू आखे ना पीर से कोई पर्दा नहीं, मेरिया लत्तां दबा रहा कुत्ता, बिल्कुल बकवास कर रहा तू, नबी तो वड्डा। अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम ने मुसाफा नहीं किया, बैत ली कि यार रसूल मर्दों का हाथ हाथ लैके बैत करनी है, साढ़े ना हाथ मिलाओ। फरमाया नहीं, लाओ सा सा, मैं नहीं औरतों ना फड़ाऊंगा। ये किड़े बली जंप है जड़े आते, साडा नहीं कुछ भी बिगड़ता उगड़ता, सानू नहीं खाश पैदा होंगी, शैतान दे चेले बिल्कुल झूठे। तो हजरत चली रजा फरमाते हैं, बहुत उच्ची गल कही फरमाते, ला या मलन्ना अलन्न साय अखन अखन समा फिर रिजाल अलन्न साय। ये अली कह सकता सी, इलम दा दरवाजा जो फरमाया, कोई बंदा सका भरा भी अपने सके भरा से औरतों के बराज भरोसा रख, कि मैं बीवी छड़ चलिया, मेरे बच्चे निगरानी करी। ला या मन अल्लाह अलन्न साय अखन अखन, भरा भरा से ना इतमाद करे औरतों के बारे, समा फिर रिजाल अलन्न साय। अमीन जेड़ा आंदा ने नहीं औरतों के बारे च काबले इतमाद, बकवास करता है औरतों के बारे, कोई मर्द अमीन नहीं हो सकता। मैं सीधी पंजाबी की मिसाल देना, छोलियां का बकरा राखे नूं कर करता, कौन आंदा बकरा छड़ूगा छोलियां, झूठ बोलते, खुदा दे दीन ना ठठा ना कर। मर्द और जेड़े उन्होंने अल्लाह ने एक ऐसी कश कर रखी है कि अग और समझो मोम है, समा फिर रिजाल अलन्न साय अमीन। मर्दों चो कोई औरतों के बारे च अमीन नहीं होंदा, जेड़ा नहीं मेरे को जरदा खा रहा, बिल्कुल धोखा दे रहा ही। और उत्थे फिर की फरमाते, फकुल रिजाल वैन साफ पफा जो दाओ। मेरे कई दोस्त होंगे उन्होंने कम दिन गल् फरमाया, सारे आदमी भावे अड्डिया चुक के जोर ला लो, मैं परहेजगार रहना, तेनू सच दसना, एक कम कोई नहीं आना। फकुल रिजाल वैन साफ पफा जह दाऊ ला बुद्धा इन्ना बेनजरा तेन साई खून। जे होर कुछ भी ना हरामदगी की, नज़र की बदमाशी जारी रहनी, उन्हें तार दे रहना, तो देख देना, अखा फेंक देना, हर जाना गलत बाद आ जाए। कैसी नसीहत की गहरे नहीं सुनते लोग, तो फिर दिन ब दिन खबर आ, अखबार भरे को लुकी छुपी कर ले, हर कुछ हो रहा, फिर रोंद सत अठ चुके लै गया जो रेप होया, कम हलाल तो करो तो ताजी है, जो तुम अग लाई है तो फिर नतीजे बुरे निकलते हैं। यानी दरख्त जरा खारदार बोंदे कंधे वाला, तो मुड़के बजते फिर एक ही हो रहा, तो होना तो उही है जो करते, जिस दिन तुहाडे करतूत है उसका नतीजा लाजमा होना सर। ये कभी भी नहीं हो सकता बे निम बीज के उतो पतासे खा लो, तुम निम में तो कड़वा फल लगना। इस तो यहोजियां बेपरदगियां बेहजाइया और यानिया किसी हथे नतीजे निकल सकते, कभी नहीं। अल्लाह के दीन इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं। हम इस पारों बे खुतबा, चूंकि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नमूना भी है, मगर इस महीने उन्हों की पैदाइश है, तद मैं इंतखाब किया कि औरत के सिलसिले सईदा फातिमा ज़हरा का बयान होना चाहिए। ये जमाद अल आखरा जरा यदि 20 तारीख से जो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल के घर पैदा हुई, तो लोगों ने इस बारे कई किस्से बाद बना लिया फात के बारे, जेडे साड़ी हदीस की किताबों में भी आ गया, उन्होंने वजाहत होनी चाहिए कि झूठिया गल् नहीं चलनिया चाहिए, मगर इन्हों का रद्द जरूरी, झूठिया चीज़ा जड़िया ये नहीं बारूद दीन होनी चाहिए, इन्हों का कोई फायदा नहीं। बहुत किताबों से इमाम इब्न दौजी की मौजूआत भी है, मगर मेरे सामने ऐसे समझो नसबुर राजा इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह जमालुद्दीन ज़ैली, बहुत बड़े हनफी आलम हैं, हिदायत के अंदर जिन्हिया हदीसा आईया उन्होंने इन्होंने वजाहत की है, शरह की है। तो गुसल के बारे के मैयत नहाने के बारे से इस बात का भी जिक्र आया कि हजरत फातिमा पहला ही नहा लिया, तो उन्होंने आपे तैयारी कर ली थी, तो हजरत अली ने मुड़ के नहीं उन्होंने गुसल दिता। ये भी चीज़ा नहीं थी, बिल्कुल इन्हों का कोई वजूद नहीं, ना ये दीन कोई है, इन्हों बारल खत्म होना चाहिए। दीन वो ही साफ सुथरा पक्का जरा साबित है, और जिसे बारे कोई सानू फिर ना परेशान ना कर सकते कि कहानी तुम बनाई, कहानियों का कोई फायदा नहीं। जो सही दीन है ना अल्लाह के रसूल तो पहुंचा, उन्होंने लेना चाहिए। यह समझो बाबुल जनायज है, और ये 250-251 सफा ये बयान है कि इस तरह हज़रत फातिमा पहला नहा धो के अपनी तैयारी करके लेट गई। यह सारा किस्सा लिख के आते भी सारा मन करतर जाली है, जो जो ये झूठे बंदे उन्होंने सारे का बयान किया। एक मौका तो फिर भी लिखते कि लिखा, दूजे पास लिखा भी नहीं हजरत फातिमा गुसल जरा हजरत अली ने दिता, उदनों हजरत जाफर की बीवी जी बाद हजरत बकर ने कहा कि अस माँ बिन से मैं उन्होंने गुसल दिता। भाई उन्होंने रावी झूठे बड़े है, इस झूठिया तो दीन पाक करना, जोड़ा भी आलम है गल बयान कर रहा कि भाई पहला जी छानबीन कर, तो खड़िया और पक्या गल कर, कमजोर गल् जीन बड़ा नुकसान पहुँचा, तो बेदीन बड़िया खुरदबीना ला के बैठे है,
ईसाई यहूदी हिंदू इन्हें गौर ना पढ़ते तफसीर हदीसा असं भी नहीं पढ़ते और पकड़ लेंगे कहोजी गलत किताबों ये शुक्र है भी साड़िया किताबा जी शांति होंगी जी ऐसे वलमार नेक लोग पैदा होंगे रहा जड़िया खरिया और सही गल् जो वादे करी गए तो इस बारे फिर कि औरत जो अपने सामने नमूना बनाना चाहिए फितर ते तू जज्बा दार बला एक बड़ी लम्मी नजम लम्मा इकबाल लिखी कि स्कूल पढ़ लग पी लड़कियां उसे बोधे शोधे बना लग पी हर वे शीशे वेंदियां थी फिर बेचारे उदो ही रोना शुरू कर दिता ये तो खुश होया ना तरक्की हो रही है लड़कियां पढ़ रही है अंग्रेजी कौम ने ढूंढ ली फलाह कीरा उन्हें अग्गा बड़ा रस्ता तरक्की का लभ लिया इस कौम बेवकूफ ने लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी कौम ने ढूंढ ली फलाह कीरा ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन पर्दा उठने की मुंतजर रहेंगे अगर मेरे बाद देख रहा हो कि वकील चंद चढ़ते हैं किड़े राह तुम पै गए और कई औरतों को मैं अल्लाह की किस्म ना देना जी सुनया कहे साढ़े मापे पढ़ाने की बयान पढ़ रख लेंगे ना तो साढ़े रिश्ते भी हो जाने आराम ना हूँ पढ़ा पढ़ा इदा का रिश्ता लग असी भी आने असं एम ए किए कि मुसीबत दुनिया पढ़ी सीधे साधे जमाने होंगे जी लोग रिश्ते करते अदब भी होंगे से एहतराम भी ये मुसीबत में पढ़े एक काफरा फसाया कि इन्हों तरक्की का ना दे के इन्हों तबाह कर दौ इन्हों का रवे कखना फरमाते गल सुन ला मैं तू जी औरत बनती फिर ये नालों दुख तरे रुस्ताक जादे जाहले पेंडू लड़की होवे अनपढ़ होवे पस्त बाला है सतबरे बदजले छोटा जहा कद होवे शक्ल भैड़ी होवे तेरे नालों हजार दर्जा मैनू पसंद है तू की जमी है जिदी गोद चो एक हुसैन भी नहीं निकलिया बदमाश निकलिया एक हुसैन नहीं पैदा होया फितर ते तू जज्बा दार बुलंद हुण भी मुसलमान लड़की और मां दे तेनू समझा ते मेरी गल पले बन ला कि तेरे च रब ने बड़ा जौहर रखिया तू बड़े नेक जान सकती है वरी चर चा मगर तू पुठे रात पै गई है चश्मे उस वाय जहरा बंद कि हवाला दिता कि अखा बंद ना करो फातिमा तो जहरा दे नमूने तो हजूर की बच्ची वेख के चल फिर ता हुसैन ने शाखे तू बाराबरद फिर तेरी चहनी वो फुल लगना जिन्हों हुसैन आंदे है उदा का फिर जमना ही मौसमें पेशी बगुलजार आबरद फिर वह पुराना वक्त मुड़ आना तो दुनिया ने वेखना भी मुसलमानों की गलियां बाजार वरिया ना भर गया तो जो तू इसे राह पई रही फिल्मों वाली औरतों ने मगर लग जा तरक्की समझ रही जड़िया बोटियां नोच लानियाँ कुत्ती तो पैड़ा हार और तू आपे रो पना फिर बेकी चंद चढ़िया दस दस पंद्रह पंद्रह एक बेहोश करके तेन सिर हो रहा सारा कि गलों का बयान कर है निम्बर से करा लिया मगर इन्हें कर छड़िया तरक्की के नाते सारा साढ़े पले पापा है अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम के जमाने पर्दे पारों शर्म हया पारों अगर कोई गलत काम होया चार गवाह दीन चाहिए जेड़े एक वक्त वेखन के बरदार बलसैली एदा कभी होया चार गवाह कभी नहीं लभे जना लभ ही सकते जना का केस कितों साबित यानी कतल चोरी सारे अड़े जुर्म दे दो बस दो गवाह काफी कतल नहीं जना की चार अल्लाह आंदा इस गल का ना ही ना ले यह मिम्बर से भी लेना यह भी समझो गुनाह नूं फैलाउणा कहवें सुनदे लड़के कि जना जना की शौक पैदा होंदा गांह तों पर मैं तशील फसदा एडी बेहयाई की गल कतल जी बदनामी कोई नहीं जना का केस खाम खा और साथ भी कई लड़कियां जा दें तो उन्हें किसा नवी इसरा पैदा कि मुंडे खराब ए ना ही लो जे एडे बिगड़े पे चार चार महीने तोड़ा दौ जे नहीं तो फिर टक इस गंदगी टक्की रहन दौ की फायदा है गांह तो गांह आराम कर पढ़ा हजरत अमर फरमाउंदा चार गवाह इसे तो रखे भी ना लभन ना यदा कोई जिक्र करे टक्या रहे पर मगर जरा मुसलमान मुआशरा से जिते लोग पाक से उसे करना किने कि होया कोई वो टकया गया मगर देख लो बजे होया किसे को तो नतीजा की निकलिया फिर दीन ने किन्ने बंदे ठीक करते किवें दिमागा च वापता सी ये दुनिया जी खत्म हो जाने वाली है अल्लाह की अदालत जाना दो किसे हजूर के सामने आए दो चार बंदे आए किसे पुलिस नहीं फड़िया किसे आके परचा दर्ज नहीं कराया किसे गवाही नहीं दी रसूल करीम अलैहि सलाम बैठे जी हजरत मायत आए मैं हजरत कह रहा हूँ जानी होकर मरया मगर हजरत ना रहा हूँ रजी अल्लाह हजूर ने फरमाया जन्नत दी नहरां तैरदा नबी अलैहि सलाम बैठे आके उन्हें आख्या अल्लाह रसूल मैं गुनाहगार हो चुका मेरे से तबा लग गया मैनू पाक कर अल्लाह के रसूल ने मुंह फेर लिया दूजे पासे आके किरा चार इकरार कई पासे उन्हें किए हजूर ने फरमाया पागल तो नहीं फिर कबीले के लोगों ने पूछा दीदी अकल टिकाने उन्हें आख्या यार सुना बिल्कुल ठीक फिर मैं मूँह सूंगो मूँह सूंगा बेहोश भी नहीं उन्हें आख्या हजूर इन्हें तू कोई गल नहीं जीना हराम हो चुका गुनाह तो बाद ईमान ने टिकट नहीं दिता तू हूँ किस तरह लै रहा कल खुदा की अदालत पेश होना की करेगी
इस पर मैं पागल नहीं नशा नहीं मैनू पाक रसूल ने फरमाया लै गया यानी सदा भी पता थी कोई जेल च भेजना पत्थर ना मार दे पत्थर लैके दुनिया दुआले हो गई बारिश हुई खत्म हो गई। दूसरे तीसरे दिन अल्लाह के रसूल आए सही मुस्लिम के अंदर लोग बैठे कट्ठे दो लोग बैठे कोई कह रहा यार मारद ना पैरे कमां तो बाद आया किमें हूँ कुत्ते की मौत मरिया बुरा कह रहा कोई जरा से कह रहा यार छोड़ो हूँ मर गया हजूर ने फरमाया इस तक फिर फिर कमाए क्यों इन्हों कम लगे जी अपने भरा मायद वास्ते बख्शी की दुआ करो उसे जन्नत की लहरा चैर दो जो तौबा उन किसी को मजा कर सकती घर बैठे अल्लाह को माफी मांग सकता है मगर उन्हें आख्या वो तो कच्ची गल है अल्लाह शायद माफ करेगा पाक होके मरवा चाहिए पत्थर खा के मरिया बाद इसे तरह राम जिया आ गई ए किंडे कानून बना दे फलाने कानून भी कुछ है बड़े बनाए तरक्की याफ्ता कौम बनाए रोज सरमिया कानून किसी बन सकता उन्हें से रोल रखने कर लेंगे वकील चोर दरवाजे कर लेंगे जज लभ लेंगे कोई गल भी नहीं कानून वो समझो मोम भी ना क्या जिन मर्जी लाज भाई अंदर होना चाहिए कानून इतने दिल से बह जाए खुदा देख रहे तू ठीक है हेरा फेरिया ना छुट जाएगा पैसे दे के छुट जाएगा या तू बस रहा तेन कोई फड़ ना सकू मगर खुदा के सामने की करें उसे की बनूंगा तो औरत गामजिया रजी अल्लाह तआला आ गई हामिला थी रसूल पाक के सामने उन्हें आग का क्या हजूर दागदार हो गया ऐब लग गया पाक करो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आख्या तेरे पेट बच्चा तेनू मारन का मैनू हक है बच्चे नहीं मार सकते तू चली जा जब बच्चा जनेगी आज किसी जेल से नहीं दिता कोई पर्चा नहीं लिखा कोई गल चली बच्चा पैदा होया हजूर पाक को आ गई या बच्चा पैदा हो गया यार सूला किसी के हवाले करो जिंदगी का अखबार नहीं मैनू पाक कर हजूर ने फरमाया नहीं चली जा दुध पिया जब रोटी खाने से लग दूंगा फिर आए किन्ने मौके दिते कि तौबा कर लै आप गल मुक लै मगर वह ईमान उन्होंने टिकन ना दे बहुत जल्दी उन्हें रोटी से लाता लुकमा वे हाथ फराया हजूर पाक में आके आख्या यार तुरा देख लो टुकड़ा खा रहा दो किसी ने मैनू पाक कर जैसे पत्थर बरसे खून का फुहारा निकलिया एक साहबी से पिया उन्हें लानत कर कहेंगे लानत हो इस औरत से किस मौत मरी मेरे से भी खून पे हजूर ने फरमाया क्यों लानत करना ये तो सारे मदीने से बनती जाए दी तौबा तो सारे मुजरम जड़े बख्शे जा सके तू लानत कर दे खुद जनाजा हजूर पाक ने पढ़िया यानी गवाहों तो बगैर ईमान ईमान पैदा करने की कोई गल नहीं करता हर पासे टीवी और रेडियो अखबार रिसाले स्कूल कॉलेज ईमान खोड़ है यही दस रहा है लज्जत है मजे है ऐस तो फिर किदा इतने कानून आवे किहड़े तरीके ना कोई सलाम आ जाए जिनी मर्जी हुकूमत बदलो कानून बदलते फिर कुछ भी नहीं बन भाई अंदर ईमान पैदा करो हर पासे यो आवाज आवे स्कूल जान बच्चे बच्चिया उसे जी सबका उस्ताद इंग्लिश पढ़ा रहा तारीख पढ़ा रहा हेर फेर ना गल इस्लाम की आवे तद जाके इस्लाम अंदर बढ़ना इस्लाम जो बढ़ जाना फिर तुहाडे कानूनों की लोड़ नहीं लैनी इन्हां पुलिसां की लोड़ नहीं लैनी तनखा वधाई जांदे थानेदारां की होर गड्डियां दे जांदे आरे दे जांदे सगों ही रेट वधदा जांदा सारी दुनिया रोंदी है तो जुलम वधदा जांदा वधना ही भाई डक ही नहीं सकदे तुसीं जो हिरस लाता लोगों नूं बेहो दुनिया कमाल हो जिनी कमाई जांदी किवें नेक होण तुसीं इन्हां नूं फातिमा वाली गल करो भाई तूं दुध भी पिया तो चक्की भी चो तो कुरान पढ़ी जा ए दुनिया के कड़वे कुट पी जा पुत्र आखरत के मिठे मदे जड़े से आखरत तुम पिछू कर दी मजाक उड़ाते जब इन्हें गल् बनिया मरण तो बड़ा की है जो बे वह शाख ही कर दी है जितने आशियाना बनना से कौंसला कितने टिकट उत्तन के इमान जो दुनिया का सही निदान किस तरह आवे जो तुम बुनियाद ही खत्म कर बुनियाद जो दुरुस्त हो जाती है उस काम सारे सीधे हो जाए बगदाद का बाजार है दारुल हुकूमत है उस दारु सलाम आते ये इस्लामाबाद दारु सलाम सुखा का घर दुनिया का हर सुख उस शहर नसीब थी फुहारे चल रहे थी बागात थी मरलात थी यूनिवर्सिटियां मुसलमानों का अरूज का जमाना सूरज जरा उस आसमान ब्याद से सारी दुनिया मुसलमानों के झंडे चलते और हारून रशीद जैसा आदमी आता से जो कोई बदल लंघना उन्हें आखना जिसे मर्जी जाके वरदा फिर जाओ मुल्क मेरा होना से जाओ उतों का खराज मैनू आना उतने से काफरा मैनू टैक्स देना दुनिया सारी के बादशाह सुपर पावर से उस जमाने की गल बड़े बाजार के अंदर एक हरामी एक लड़की उन्हें इस तरह खड़ा किया तो छेड़छाड़ कर रहा तो लोग पर खड़े सारे वेंदे मगर कोई गांह नहीं होंगे बिगड़ गए थे लोग दलेरी नहीं करता मैं डकीये उस वक्त का एक वली खुदा का नेक बंदा गुजर रहा हर सिब ने बिशर हाफी रहमत उन्हें पूछा क्या कट है
उन्हें आख्या हरामी बच्ची तंग कर रहा, मगर कोई नहीं उन्होंने रोकता, अपनी इज्जत बचाने खुद गए। वो कान से गल कही चले गए, बेहोश होकर लगी। लोगों ने उसकी तलियां छड़िया मलिया सुरत आई। उन्हें पूछा भी आदमी कौन? उन्हें आख्या तू बिशर का नाम सुने? बिशर। उन्हें आख्या हाँ बिशर इब्न अरसाफी सुनया तो है, शहर के वली है, मगर मैं देखा नहीं कहीं। उन्हें फरमाया कह लगे तेनू की आख्या? क्या मेरे कान सिर्फ यह आख्या बेटा तू क्या कर रहा, तेरा खुदा तुझे देखा जिस तो मैं गश कर। जिड़ी गल खुदा के बंदे दिल से जो बात निकलती है असर, कोई लम्बे बाद नहीं किसी करवाया। इन्हें ही क्या तो पुत्र तू जो हरकत कर रहा तेरा रब देख रहा, एक दिन जाना ही होगा। सात दिन बुखार से मुतला रहा, मर गया, आराम ही नहीं आया, कंबला रहा कि खुदा के सामने की बनूगा। इससे यदि जड़ बढ़ते जे आपो अपने फिरके बनाए या मस्जिदों के दूजे दूजे ना लिखे है, तुम एक दूजे नमाज नहीं पा। या कल परसों ठीक डॉक्टर का कलम पढ़िया बेचारे ने अंदर उसकी तलाश, यानी स्पेन गया उतने सफरनामे च लिखा कि बाकी मस्जिदों की ईसाइया सील कर छड़ी, सारे महलों तारे लगे। एक तुर्की अफसर किसी पिछले जमाने गया, थोड़े जमाने होए, उन्हें इजाजत लैके एक मस्जिद बनाती छोड़ी, तो मुसलमान उत्थे नमाज पढ़ते थे। आजाद कश्मीर से एक मौली साहब को पता लगा, उत्थे पहुँच के बड़ी रौन गया, तो उत्थे फंड है उन्हें जानदा ही सुनी शिया वाबी का रौला पा के होया। जो 10-15 नमाजी सिर लाने लग, मस्जिद सील हो गई। इन्हें आप लिख के दुखना लिखा भी ये दीन फैला रहा जाए, ये दीन का बिड़ा गर्क कर रहे। इस मुला हजरात जोड़े मैं ना दुश्मन, मैंने ना मुला को गणे ना मौलियाँ मैं है, मैं देना इस टोले का वैरी कि स्कूलों कॉलेजों जी गए तो यह टोला जोड़ा मुतासिब टोला, इन्हों के अंदर तशद्दुद है, इन्हों के फिरकियां का इन्हों से जहर भरया। ये उत्थे जाते ठीक है बेदीनी है, मगर वो आजाद ख्याली है। लोग सोचते हैं एक दूजे की गल सुनते कि अपने अपने फिरकियां बड़े जन्नत असी ठेकेदार बाकी कवर किहड़ा रसन सा फिरको गुरसूला की उम्र जन्नत के दरवाजे क्यों बंद करना? जापान के लोग इस्लाम लाए, मोहम्मद सुल्तान मासूमी किताब लिखनी पई, कलमा पढ़िया ही तो चल गया सुनी बन शिया बन। उन्होंने आख्या भाई असी बहुत ही चंगे और कई हो गए काफर, ये इस्लाम भी खिलम गया, अपने अपने ग्रोह बना के ठेके लिया जाए। गल इन्नी नहीं सीधी सामी मन ली, पर जब तक कोई आदमी रसूला मर रहा तुहानू कोई हक नहीं कहूँ तुम उम्मत चुक ना, तुम उन्होंने काफर कह सकते ना कोई नहीं, तुहाडे अपने मसले आ, तुम जो समझा बिस्मिल्लाह, उन्होंने जो समझ आई वो भी बेचारा आंदा बैला ने क्या रसूल ने क्या, तुम उन्होंने रहन दिया।